बॉलीवुड ट्रेंड पर अर्जुन कपूर का रिएक्शन सामने आया है। रिपोर्टेडली एक्टर ने कहा, मुझे लगता है कि हमने इसके बारे में चुप रहकर बहुत बड़ी गलती की है और यह हमारी शालीनता थी, लेकिन लोगों ने इसका फायदा उठाया है। मुझे लगता है कि हमने यह सोचकर गलती की कि हमारा काम खुद बोलेगा, लेकिन आप जानते हैं कई बार हमेशा आपको अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि हमने इसे बहुत बर्दाश्त कर लिया और अब लोगों ने इसे एक आदत बना ली है। अब इंडस्ट्री के लोगों को एक साथ आने और इस पर खुलकर बात करने की जरूरत है। विक्की कौशल कटरीना से शादी करने के लिए कितने बेताब थे, इसका खुलासा किया है, वो भी कॉफी विद करण सीजन 7 के एपिसोड में। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, शादी के दौरान हर दिन मजेदार मीम्स, ट्वीट और मैसेज इंटरनेट पर छाए थे और हम सबसे अवेयर थे और इसका मजा लिया करते थे। उस दौरान सोशल मीडिया पर ढेरों रैंडम खबरें छाई हुई थी। इसी बीच मैंने पंडित को कहा था कि जल्दी से निपटा देना प्लीज, एक घंटे से ज्यादा नहीं लेना। मॉम टू बी बिपाशा बासु ने इंस्टाग्राम पर बेबी बम फ्लॉन्ट करते हुए प्यारा सा वीडियो शेयर किया है, जिस पर पति करण सिंह ग्रोवर ने कमेंट किया है। डालिए एक नजर। शाहिद कपूर ने अपने भाई ईशान खट्टर के साथ एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दोनों भाई डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। डालिए एक नजर। फिल्म डायरेक्टर आयान मुखर्जी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है और बताया है कि फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए क्या चीज उन्हें इंस्पायर की थी। ये वीडियो खूब वायरल हुआ। लाइगर स्टार अनन्या पांडे अपने को स्टार विजय देवरकोंडा के घर पहुंची, जहां उनका ग्रैंड स्वागत किया गया है। एक्ट्रेस ने इसकी फोटो शेयर करते हुए प्यारा सा कैप्शन दिया है। डालिए एक नजर। सोशल मीडिया पोस्ट पर होने वाले ट्रोल्स को लेकर विजय देवरकोंडा ने अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि ये बहुत आम बात है, ऐसी चीजें हम सभी के साथ रोजाना होती हैं। एक्टर बनने से पहले अंकल और आंटी रिजल्ट, कॉलेज, जॉब जैसी चीजों के लिए बोला करते थे, अब सोशल मीडिया पर ट्रोल हुआ करता है। आप जिंदगी में कुछ भी कर लो, ट्रोलिंग हमेशा जारी रहेगा। हाल ही में कियारा आडवाणी को मुंबई में कार से उतरते हुए स्पॉट किया गया, जहां हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिस वजह से उनके बॉडी गार्ड ने उनके ऊपर छाता लगा रखा था, जिसके बाद एक्ट्रेस को खूब ट्रोल किया गया। खबर है कि विद्या बालन की फिल्म डर्टी पिक्चर की सीक्वल की तैयारियां शुरू हो गई हैं और जल्दी ही इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। रिपोर्टेडली फिल्म के सीक्वल में विद्या बालन नहीं होंगी, बल्कि उनकी जगह कृति सेनन या फिर तापसी पन्नू नजर आ सकती हैं, जिसके लिए उन्हें अप्रोच किया जा सकता है। बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड पर एकता कपूर ने दिया आमिर का साथ। इतनी अजीब बात है कि हम उन लोगों को बॉयकॉट करें जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा बिजनेस दिया है। द खान्स एंड स्पेशली आमिर खान इज़ अ लेजेंड, कान बॉयकॉट हिम, ही कैन नॉट बी बॉयकॉटेड। यू कान बॉयकॉट द सॉफ्ट एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया।